नमस्कार, मैं डॉक्टर कृष्णन, प्लास्टिक सर्जन, अमनदीप हॉस्पिटल अमृतसर में। और आज मैं आपको बस बताना चाहूँगा ब्रेकियल प्लेक्सस इंजरी के बारे में। ब्रेकियल प्लेक्सस का क्या मतलब होता है? ये नसें हैं जो गर्दन से निकल के बाजू में जाती हैं और पूरे हाथ की नर्व सप्लाई देती हैं। मतलब बाजू में जो भी मांस है उन सबको करंट उधर से ही जाता है और हाथ की मूवमेंट उसी से होती है। तो जब एक्सीडेंट होता है, अक्सर बाइक एक्सीडेंट्स में जब बाइक से बंदा गिर जाता है और कहीं चोट लगती है तो ये जो नसें हैं ये खिंच जाती हैं या कट जाती हैं। तो ऐसे केसेस में बहुत ज़रूरी होता है कि सही टाइम पे सर्जरी या ट्रीटमेंट हो जाए। आम तौर पे हम 3 महीने तक ही वेट करते हैं। अगर 3 महीने तक कोई भी हाथ की रिकवरी नहीं होती है तो उसके बाद सर्जरी बहुत ज़रूरी है। और 3 से 6 महीने में जो ऑपरेशन होती हैं उनके रिजल्ट काफ़ी अच्छे आते हैं। और 1 साल अगर हो जाए चोट लगने से उसके बाद कोई ऑपरेशन करते हैं तो उसका नतीजा इतना अच्छा नहीं आता है। तो इस मरीज में भी हमने यही किया था, ये हमारे पास जल्दी आ गए थे तो इनकी सर्जरी हम कर पाए और लकीली इनका रिजल्ट भी काफ़ी अच्छा आया है। मेरा नाम विक्रम सिंह है जी, मेरा फ्रेंड जो सुमंगल है जी, मेरा एक्सीडेंट होया जी। मैं नीचे तो अपने फ्रेंड में जा रहा है रेलवे फाटते स्पीड ब्रेकर स्लिप होया मोटरसाइकिल खंभे रेलवे खंभे के मेरा मुंडा जा गया। उसे मैं 2-3 घंटे जी नाल पिया रहा, उसके बाद मैंने होश आई। मैं उठे फिर कॉल की अपने फ्रेंड में, वो लैके गए मैं। उसके बाद अगले दिन मैं अमनदीप हॉस्पिटल का पता लगा, इतने डॉक्टर रवि महाजन उन्होंने ट्रीटमेंट मेरा किया जी, बहुत वाइया जी नाल ट्रीटमेंट किया। डॉक्टर कृष्णा जी नाल सारी टीम का मैं बहुत धन्यवाद करता हाँ कि नाल मेरी दादी अगे मैं बहुत फर्क है। मैं आ जो हाथ ही मेरा बिल्कुल ही डैमेज हो गया जी, ना काम नहीं करता। तो आ बह भी हम पुर हो जाती है जी, बिल्कुल नहीं कई होंगी, बहुत ही औखी होंगी जी। हम बहुत ही फर्क है अगर मैं जाता आ जो हाथ ही उंगल बिल्कुल नहीं इतना चल रही जी, उंगल भी चल रही हूँ। बहुत वीडियो जी नाल ट्रीटमेंट लगा है, धन्यवाद करता मैं अमनदीप हॉस्पिटल का जी।